अन्नदाता अन्नदाता तुम अन्नदाता 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 तुम अन्नदाता मुंड छाड़ा तुंडरे मारी फलाए मणि मुकुता तुम साथी से दिन राति खटी दिए खुशी र बारता अन्नदाता अन्नदाता तुम अन्नदाता प्रणाली रे चाष करिले सहे गुणा हुए अमल सुचाई दिए अन्नदाता शस्य रक्षण पशुपालन दे ज्ञान र आलोक आगे निए अन्नदाता ओडिया चाषी को भारत मार मुकुट करिबा लागि सदा सर्वदा करि जागत सहाय हुए अन्नदाता 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 तुम अन्नदाता 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 तुम अन्नदाता नमस्कार नुआ सकाळ रे सबु चासी भाई भोनी मानकु अन्नदाता रे एक नूतन अध्याय को मु बंदिता स्वागत करूची एबे आसंथ जीवा कार्यक्रम को आ जानि नेबा मुख्यांश गुडीक कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा चासी को परामर्श वैज्ञानिक पद्धति रे जिया खत प्रस्तुति आमर कृषि विज्ञान केन्द्र रे भंजनगर रे आमर विभिन्न प्रकार माने तालीम दिया जाउची विभिन्न प्रकार वैरायटी धान रो हो किंबा पनीपरिया चाष रो हो ड्रॉट रोलेंड वैरायटी एवं आमर विल्टिंग वैरायटी जो आनी की हमें सब भलो भलो वैरायटी को आनी की टेस्ट करूचे एठे तापर रूरल यूथ हमें ट्रेनिंग भी करा जाउची तालीम दिया जाउची जोटा कि आमर रिया बोली गोटे प्रोजेक्ट चली कृषि विज्ञान केन्द्र भंजनगर रे से उपरे भी आमर सिलेक्टेड फार्मर रूराल यूथ अच्छा पंद्रहटा गाँव में 140 फार्मर अच्छा विभिन्न टाइम तालीम दौचु तर पुणी स्टार्टअप इनसेंटिव दिहि मानने केमी से एंटरप्रेन्योर को किमी रखिए बढ़े अन्य चाषी भाई मानक से कमी उपलब्धि करें सुविधा चारिटा कंपोनेंट आम कम कर गोटे आम पोल्ट्री प्रोडक्शन अच्छी आ गोटे अच्छी आम नर्सरी रेजिंग अच्छी आ गोटे अच्छी मशरूम प्रोडक्शन अच्छी जो करूचे जोटा कि आम से आम स्थित केमी सुदृढ़ रोपर आम ध्यान अधिक दौचे आ गोटे आम प्रोजेक्ट चली निक्रा प्रोजेक्ट चली जोटा कि आम चारिटा गाँव में प्रथम तो चोपड़ा आरंभ होता जगन्नाथ प्रसाद ब्लक्र एबे आउ तीन गाँव में आम नहींचु जो कि नड़ा चिकिली अलरेडी आम कम चली जोटा कि आम विभिन्न प्रकार जो ड्रॉट टैलेंट वैरायटी हो ताकू आम आणिकी एनआरआर हो कि आम ओडिशा कृषि वैषयिक विद्यालय भल भल किसम होने आणिकी ट्रायल कराऊ लोक देखा शिखाऊ तापर आमर तार इम्पैक्ट भी आम स्टडी करूचु आ तार केते आमर एरिया भी बढ़ला ताकू भी आम गोटे आकलन करूचु जोटा कि आम भल भल भेर आम धरतु सहभागी धान हो कि आम एम टू हजार एक हो हजार दस हो कि आम डीआर 42 हो डीआर 44 हो भल भल भेर आम आम ये ट्रायल कराऊ तापर दामूर गोटे प्रोजेक्ट चलती जोटा कि आम पापागर आम प्रति विकली दुई थर लेखे आम आडभाइजरी दौचु जोटा कि चाषी भाई मान पाखे पहुँचुची प्रति ब्लक आम गोटे गोटे ह्वाट्सअप ग्रुप करूँ चाषी भाई मानक आम से नाम रेजिस्ट्रेसन करूँ डायरेक्टली आम दौचु पुणी आवेरनेस कैंप भी कराँ जोटा कि मानने कौदिन मानने पाग खराब हम बर्षा हम कि बर्षार मात्रा केपे सैक्लोन हम नेचुराल कलामिटीस आम डिटेल आम क्रप वाइज जोटा कि आम धान पुणी अणधान सबुर आम तार आडभाइजरी आम प्रिपेयर करी
प्रति सप्ताह रे प्रति दुई थर लेखे दौचु तापी आम साइंटिस्ट भी अच्छा एस एम एस आम मेट्रोलोजी अच्छा कृषि विज्ञान केन्द्र भल भल भेर जोटा कि ओएफटी हो टेस्टेड भेर आई जो लोकेशन रे ट्रायल नौ निजे भी एठी आम करूँ गोटे रेप्लिकेसन ये रोचे कृषि विज्ञान केन्द्र भंजनगर कैंपस भितर रोचे को लेकिन आम बाहर आम जो आडप्टेड भिलेज पोषियों गाँ अच्छी से गाँव में आम ट्रायल करुच्छू तार इंपैक्ट स्टडी करा तार एरिया भी बढ़ा जा इवेन आम एफ एल डी अच्छी सी एफ एल डी भी अच्छी गोटे क्लस्टर डेमोस्ट्रेसन अच्छी जोटा कि रबि चीना बादाम धरणी भेर को आम आनी पचिश जन को दि जाइला जोटा कि तार भी एरिया मानते धीरे धीरे बढ़ाऊ इवन आम खरीफ्रे भी पल्सेस प्रोग्राम भी रोचे ताकू भी आम इम्पोर्टेंस दौचु तापर एवं जो मिलेट मिशन जो आम सरकार जो मिलेट मिशन रो मिलेट उपरे आम ट्रेनिंग दौचु इवन मिलेट भल भल भेर जो रागी भल भल भेर आणिकी सीपीआर आणुचु ताकू आम ट्रायल करुचु जोटा कि आम आग्रणी साइंटिस्ट देखुचार ये आम कृषि विज्ञान केन्द्र गोटे आम रखीचु क्रॉप क्राइटेरिया हो कि आम मानने मैंगो अर्चार्ड अच्छी केसुनट अर्चार्ड अच्छी लेमन अर्चार्ड अच्छी तापर आम गोटे मेज्र भी गोटे डेमोस्ट्रेसन करूँ जोटा कि आम कलिंगराज गोटे भल बहुत भल भेर टीए मेज्र ताकू आम आणिक सीड प्रडक्शन करें ओडिशा कृषि और वैषयिक विद्यालय भेर ताकू आम आ ट्रायल करपर ये आप देखिपे विभिन्न प्रकार आम वर्ष सारा एबे गोटिए छोटिया विरतिर समय विरति परे रहिछि वैज्ञानिक पद्धतिरे जिया खत प्रस्तुति विरति परे आपणकु पुणि थरे स्वागत भाई माने आम राज्यर प्राय 70 भाग चाष जमीर केवल वर्षा आश्रित चाष होता है जमीर मुख्यतः धान चाष हुए तेणु अनेक चाषी धान अमल पर 5-7 मास बेकार बसी रहा से यार विकल्प खोजी पाना हेले एपरी समस्या समाधान पर जो केतेक उपाय अच्छी से जिया खत प्रस्तुति निश्चय एक लाभजनक विकल्प जिया खत प्रस्तुति तथा जिया चाष संबंध में अधिक किछि परामर्श देछन्ति आसंतु जानिबा तापर आमर तृतीय प्रश्न आसुचि जे जिया खत जदि प्रस्तुत करिबा आमे कोठि करिबा केमिति करिबा को प्रणाली रे करिबा तो जितेबले आमर से प्रश्न आसुचि आमे जिया खत विभिन्न प्रकार प्रणाली रे करि परिबा गोटे कुंड पद्धति अछि आमे कुंड माध्यम रे करि परिबा पॉलीथिन माध्यम रे मध्य होउचि जोटा आजिका सरकार को तरफ रु मिलुचि ता सहित आमर छोटो छोटो रिंग बा आमे जोटा कहुचि आमर छोटो छोटो आमे तकु जो कुआ कि आमर गछ लगिया पय जो रिंग आकार सब आमर मिले सेथरे मध्य आमे जिया खत प्रस्तुत करि परिबा आमर आवश्यकता ओ केते पैसा अच्छी केते आमे सही हिसाब रे आमे आमर खत पय आमे व्यवहार आमे विभिन्न पद्धति अवलंबन करि परिबा आमर अधिक परिमाण रो दरकार अछि आमे कुंड पद्धति व्यवहार करि परिबा किंबा आमर तन पैसा टिके कम अछि आमे पॉलीथिन मध्ये व्यवहार करि परिबा तेंनो सही हिसाब रे आमे जिंस व्यवहार करि परिबा तापर प्रश्न आछि आमर दरकार कोन आमे को जिंस को नै कि जिया खतटी प्रस्तुत करिबा कोन कोन आवश्यकता सेथि पय एथि पय आमर विशेष भाव रे किछि जिंस आमको एमति मार्केट रो किनिया को पड़े नै आपणकर आमे जो पूर्व आमे पूर्वरु कहिली आमको जहाँ अलिया आवर्जना आमर जमीर मिलूँ आम से सब जिनस को व्यवहार करें माने जोड़ा पचिसढ़ी पार आमर इटा पत्थर काच प्लास्टिक यही सब जिनस को छाड़ी आमर जहाँ अलिया बाहर आपे धान चाष करूचे धान चाषर भी जो चशुफसु बाहर ताकू व्यवहार करें घरे जहाँ पनीपरिया व्यवहार कले तार चोपा आदि जहाँ बाहर ताकू व्यवहार करें कदमी कट आमर कांधी बाहर कदमी गच रहा से गच्छ को छोट छोट काटिकी आम टांगी व्यवहार करें आमर आम बिल आमर लगेले जदि जेकोनसी पनीपरिया चाष कले पनीपरिया तोली सारापर जहाँ आमर से गच्छ टिके काटिकी व्यवहार करिपरिबा तेणु एभली भाव में आम जहाँ आम जेकोनसी जिनस जोटा सढ़ी पार से सब जिनस को आम जिया खत टांगी व्यवहार करिपरिबा ता सहित किछि आमर गाई गोबर दरकार कहीं गाई गोबरटा आमर से सब जिनस को पचेबा को साहाज्य करे वर्तमान जिनस आसला आमर एइतक जिनस आमर आवश्यकता तले करिबा केमिति
ସେ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆସୁଛି ଆମର। ତ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଆମେ କହିବା, ଯଦି ଜଣେ ଆମର କଲା କୁଣ୍ଡ ପଦ୍ଧତିରେ, ଆମର କୁଣ୍ଡର ଆମର ଆକାରଟା ଆମର 2 ମିଟରରେ, 1 ମିଟରରେ, 0.5 ମିଟର ରହିବା ଦରକାର। ସବୁବେଳେ ଉଚ୍ଚତାଟା ଆମେ ଆମ ନିଜର ଉଚ୍ଚତା ହିସାବରେ ତାକୁ ଦେଖିକି କରିବା କଥା, କାରଣ ଲମ୍ବା ଟିକେ ଅଧିକ ହୋଇଗଲେ ଚଳିବ, କିନ୍ତୁ ଉଚ୍ଚତା ଯଦି ଅଧିକ ହୋଇଗଲା ଜଣେ ତା ଭିତରେ ପଶିକିରି କାମ କରିପାରିବ ନାହିଁ। କାରଣ ଆମର ଜିଆ ଖତ ଯେଉଁ ଆମେ କଲେ, ଖତଟାକୁ ସବୁବେଳେ ଆମକୁ ଆଉ ଟିକେ ଉପର ତଳ କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ତା ଭିତରେ ଟିକେ ପାଣି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଟିକେ ଘାଣ୍ଟିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ସେସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣ କରିବେ କେମିତି ଯଦି ଆପଣ ତା ଭିତରେ ପଶିପାରୁନଥିବେ କି ଆପଣଙ୍କ ହାତଟା ତା ଭିତରେ ପଶୁନଥିବ? ତେଣୁ ଉଚ୍ଚତାଟା ସବୁବେଳେ ଆମର 0.5 ମିଟର ରହିବାଟା ଭଲ। ତ କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ କୁଣ୍ଡ ବି କଲେ, ତାହେଲେ ପାଖାପାଖି 2ଟା କୁଣ୍ଡ ରଖିବେ। କୁଣ୍ଡ କଲେ 2ଟି କୁଣ୍ଡ, ରିଙ୍ଗ କଲେ ମଧ୍ୟ 2ଟା ରିଙ୍ଗ। କାହିଁକି ନା ଗୋଟିଏ କୁଣ୍ଡରେ ବା ଗୋଟିଏ ରିଙ୍ଗରେ ପ୍ରଥମେ ଆମକୁ ଜିନିଷଟାକୁ ଅଧା ସଢ଼େଇବାକୁ ପଡ଼େ, ଅଧା ସଢ଼େଇ ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଆମକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ କୁଣ୍ଡକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। କାରଣ ଆମେ ଜିଆଟାକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କଞ୍ଚା ଜିନିଷରେ ଛାଡ଼ିପାରିବା ନାହିଁ, ତାକୁ ଟିକେ ଖାଇବାକୁ ଅସୁବିଧା ହେବ, ତା'ପରେ ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ଟେମ୍ପରେଚର୍ଟା ହଠାତ୍ ବଢ଼ିଯିବ, ଜିଆ ମଧ୍ୟ ମରିଯାଇପାରେ। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ଆମେ ଅଧା ସଢ଼ା ଜିନିଷରେ ଆମେ ଜିଆଟାକୁ ଛାଡ଼ିବା ଉଚିତ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯେଉଁ 2ଟା କୁଣ୍ଡ କଲେ, ପ୍ରଥମ କୁଣ୍ଡଟାରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଆମର ଯାହା ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ତାକୁ ସେଥିରେ ପକାଇବା, ଟିକିଏ ଖତ ପାଣି ପକାଇବା, ଆଉ ଟିକିଏ ପାଣି ଛାଟିକି ରଖିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଜିନିଷଟା ଅଧା ସଢ଼ା 15-20 ଦିନ ଭିତରେ ଅଧା ସଢ଼ା ହୋଇଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ସେଥିରେ ଜିନିଷଟା ଅଧା ସଢ଼ା ହୋଇଗଲା, ତା'ପରେ ଆମେ ତାକୁ ଆମର ଦ୍ୱିତୀୟ ଟାଙ୍କିକୁ ଆମେ ତାକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିବା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟାଙ୍କିରେ ଯେଉଁ ଆମେ କରିବା, କୁଣ୍ଡ ହେଲା, କୁଣ୍ଡର ତଳଟା ନିହାତି ଭାବରେ ଫ୍ଲୋରିଂ ରହିବା ଦରକାର। କାହିଁକିନା ଯଦି ସେଇଟା ଫ୍ଲୋରିଂ ନ ରହିଲା, ସେଇଟା ମାଟି ସାଙ୍ଗେ ସମାନ ହୋଇକି ରହିଲା, ତାହେଲେ ଜିଆମାନଙ୍କର ବାହାରକୁ ଯିବାର ଚାନ୍ସ ଅଛି। ଯଦି ଆମେ ରିଙ୍ଗ କଲେ ମଧ୍ୟ ତଳଟା ଯେଉଁଥିରେ ସିମେଣ୍ଟ ଥିବ ସେଇଭଳିଆ ରିଙ୍ଗ ହିଁ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ନହେଲେ ସେମାନେ ବାହାରକୁ ଚାଲିଯାଇ ପାରନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ତଳେ ଆମର ଯେଉଁ ରହିଲା, ତଳେ ଆମର ଗୋଟିଏ ଚିପ୍ସ ଗୋଟେ ଲେୟାର 1 ଇଞ୍ଚର ପକାଇଦେବା, ତା ଉପରେ ଆମର ବାଲି ମଧ୍ୟ ତା ଉପରେ 1 ଇଞ୍ଚର ପକାଇଦେବା। ଏଗୁଡ଼ାକ ଏଇଥିପାଇଁ ଦିଆଯାଏ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପାଣି ଦେବା, ପାଣିଟା ଆମର ତା ଭିତରକୁ ଯେତେବେଳେ ଯିବ, ସିଏ ଆରାମରେ ତଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇପାରିବ, ସିଏ ଏମିତି ଗଦା ହୋଇକି ରହିବ ନାହିଁ। କାରଣ ଯେମିତି ଆମେ ଜାଣିଛେ ପାଣି ନିହାତି ଦରକାର ଖତ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଅତ୍ୟଧିକ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଜିଆ ପାଇଁ ଭଲ ନୁହେଁ। ଆମର ଗଧା ସଢ଼ା ଗୋବର, ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଈ ଗୋବର, ତାକୁ ଆମର 1-2 ଇଞ୍ଚ ବହଳର ସେଇ ବାଲି ଉପରେ ପକାଇବା। ତାକୁ ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଆମର ଯେଉଁ ଅଧା ସଢ଼ା ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ଅଛି, ତାକୁ ଆମେ ଆମର ତା ଉପରେ ଗୋଟେ ପରସ୍ତ ପାଖାପାଖି ଅଧ ଫୁଟ ପାଖାପାଖି ପକାଇବା। ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ଆମେ ତା ଉପରେ ଆମର ଯେଉଁ ଅଧା ସଢ଼ା ଗୋବର ଅଛି, 15-20 ଦିନ ତଳର ଗୋବର, ତାକୁ ତା ଉପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଲେୟାର ପକାଇବା, ପୁଣି ତା ଉପରେ ଆମର ଅଧା ସଢ଼ା ଅଳିଆ ପକାଇବା। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟାଙ୍କିଟା ଫୁଲ୍ ତ ନୁହେଁ, ଫୁଲ୍ରୁ ଆମର କିଛି ଯେମିତି ଆମର ଅଧ ହାତେ ଖଣ୍ଡେ ଖାଲି ରହୁଥିବ, ସେଇ ହିସାବରେ ଆମେ ପକାଇ ଚାଲିବା, ପାଖାପାଖି 2ଟା ଲେୟାର ଆମର ତା ଭିତରେ ହେବ। ସେଇଟା ହେଲା ପରେ ଉପରଟାକୁ ଆମେ ଆମର ପାଣିଆ ଗୋବର ପାଣି କରିକି ତାକୁ ଟିକେ ଆମେ ପଲସ୍ତରା ଭଳିଆ ପାଲିସ୍ କରିଦେବା। ପାଲିସ୍ କଲା ପରେ କ'ଣ ହେବ, ଆମେ ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ତା ଉପରେ ଟିକେ ପାଣି ଛାଞ୍ଚିଦେବା। ପାଣି ଛିଞ୍ଚିଲା ପରେ ଆମର ଯେଉଁ ଆମର ବାହାରୁଛି ଆଳୁ କି ପିଆଜ ବସ୍ତା ଯେଉଁ ବାହାରୁଛି, ଆମର ଯେଉଁଟା ଅଖା ବସ୍ତା, ସେଇ ବସ୍ତା ଟିକେ ଓଦା କରିକି ଆମେ ତା ଉପରେ ଘୋଡ଼େଇଦେବା। କାହିଁକି ନା ଯଦି ସେଇଟା ଆମର ଖୋଲା ରହିବ, ତାହେଲେ ସେଥିରୁ ଜଳୀୟ ଅଂଶ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ବାଷ୍ପ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ଅଖା ବସ୍ତା ତା ଉପରେ ଘୋଡ଼େଇକି ରଖିବା ଓଦା କରିକି, ତାହେଲେ ଜଳୀୟ ଅଂଶ ଶୀଘ୍ର ବାଷ୍ପୀଭୂତ ହେବ ନାହିଁ। ଅଖା ବସ୍ତା ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ତା ଭିତରେ ଆମେ ଜିଆଟିକି ଛାଡ଼ିବା। ଯେଉଁ ଆକାର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି 2 ମିଟରରେ, 1 ମିଟରରେ, 0.5 ମିଟର ସାଇଜ୍ର କୁଣ୍ଡ, ସେଇ କୁଣ୍ଡରେ ପାଖାପାଖି ଆମେ 1 କେଜି ଜିଆ ଛାଡ଼ିବା। 1 କେଜି ଜିଆର ମୂଲ୍ୟ ପାଖାପାଖି 500 ଟଙ୍କା। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ଆମେ ଜିଆ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଜିଆମାନେ ଆପେ ଆପେ ତା ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଯିବେ। ଏବେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ବିରତିର ସମୟ, ବିରତି ପରେ ରହିଛି ବାଇଗଣ ଫସଲରେ ଫଳ ଓ କାଣ୍ଡବିନ୍ଧା ପୋକର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ। ବିରତି ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ। ବାଇଗଣ ଏକ ଲାଭଜନକ ପରିବା, ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଏହା ସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଓ ସବୁ ଋତୁରେ ଚାଷ ହୋଇଥାଏ। ଗରିବ ଠାରୁ ଧନୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ବାଇଗଣକୁ ଆଦର କରିଥାନ୍ତି। ବଜାରକୁ ଗଲେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ କିସମର ବାଇଗଣ ଦେଖିଥାଉ, ଯାହାକି ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଚାଷୀମାନେ ଯୋଗାଇଥାନ୍ତି। ଫଳ ଓ କାଣ୍ଡବିନ୍ଧା ପୋକ ହେଉଛି ବାଇଗଣ ଫସଲର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶତ୍ରୁ, ପ୍ରାୟ ସବୁ ଚାଷୀ ଏହାକୁ ଅନୁଭବ କରିଥିବେ।
ए पोकोकु किपरि नियंत्रण करा जाय परिबो आसंतु जानिबा। आज आम आलोचना करवा बैगणर फल और कांडविंधा पोक विषय में। प्रथम करी मुझे कही रखी कि आम पोकटी को चिन्हा पोकटी को मानने तार जीवन चक्रिका तार लक्षण किपर भाव सी आम गच्छ को क्षति करा विषय टी जाना तापर तार केमती सुपरिचा कर विषय मुझे सम्यक भाव में आपन को कह। प्रथम हूँ पोकटी को चिन्हा पोकटी को देखा किपर तार जीवन चक्रिका पोकटी चार अवस्था थाए तार जीवन प्रक्रिया भितर अंडा शुक कोसा एवं तार वयस्क पोक अवस्थाटी पोकटी विशेषकर आमर राति तार चलाचल बेसी थाए माई वयस्क पोकटीर पोकटीर जेहेतु सी राति चलाचल कर तार खाद्य निए बा अंडा दान करने को भल पाई थाए। यही पोकटी पत्र कांड फूल सबुथे गोटी गोटी करिकी अंडा देवा पसंद करें देढ़श रु तीन शह प्रति पर्यंत से अंडा दान करें से अंडारू शुक गुड़िक बाहरी आमर कांड मध्य पशि फूल अवस्था फूल मध्य पशि तापर फल मध्य प्रवेश करद्वारा आम फलटी आक्रांत होता है आमर कांडटी आक्रांत हो सुखी झाउली जाए थाए। तो प्रथम आम अवस्थाटी चिन्हिले ही जापर कि आम कांडटी जदि झाउली जाए तेज आम कांड फल विंधा पोक आक्रमण होती पोकटी शुक अवस्था पांचटी अवस्था तार अवस्था अतिवाहित करें कोसा अवस्था पखापाखी सत रु दस दिन पर्यंत थाए यार पूरा जीवन चक्रिकाटी आम पचीस तीस रु पचास दिन पर्यंत से मध्य से अतिवाहित करें। तापर आसवा ये पोकटी को प्रथम चिन्हिले यार वयस्क पोकटी देखा धला रंगर होता है तापर बादामी रंगर छोट छोट धला दाग मान थाए जमी आम कहे चढ़ई हगिदेले जमी आम देखा जाए धला उपर बादामी रंगर दाग मान थाए आम आपको बार्डस ड्रपिंग बोली कहते तो तार डेणाटी देखा ठीक से हीपरी धला उपर बादामी रंगर दाग मान थाए। यार परिचा कहले प्रथम मुझे रखी यापी आम केमती पोकटी को चिन्हगले केमती आम देखा सर्वेक्षण करवा जापर कौ समय पोकटी आसपाई आम आलोक जनता व्यवहार करकर्षक जनता व्यवहार करंग आकर्षक जनता हेल्ले आम हेक्टर को पचास टी संग आकर्षक जनता व्यवहार करद्वारा कि आम तार अंडीरा पोकटी को दमन करद्वारा कि वंशवृद्धि हम ना कि तार आलोक जनता हेक्टर प्रति गोटे और हेक्टर प्रति पांचटी आलोक जनता बसाई आम पोकटी को दमन करपर आस विभिन्न प्रकार आमर सहनशील किसम सहनशील किसम कहले आम प्रथम ही गोटे परिचा दे था कम खर्च व बिना मूल्य आम यू गोटे भल किसम नवा द्वारा आमर पोकर आक्रमण कमी जाए। सहनशील किसम कहले आम ओयुटी दुईट किसम रही जमती उत्कल अनुश्री उत्कल ज्योति अन्न्य किसम मध्य आपणकर पंच सम्राट आपणकर पुषा पर्पल राउंड पुषा पर्पल लॉन्ग मुक्ता केसी यही बहुत गुड़िए किसम रही आसवा आम विभिन्न प्रकार चिराचरित प्रथा जोटा आम करद्वारा किपर भाव में परिचा करमती आम देखुचे गोटे जगार झाउली जा कांडटी तो से कांडटी झाउला कांडटी को आम प्रथम बाहर करें मटी में पोतीदे से जो सुख थाए से मरी जाए था कि पोकड़ा फल देखे से पोकड़ा फल गुड़िकले से पोक बाहरी आउ गोटे फल को आक्रमण करें तेणुकर से पोकड़ा फल थी से पोकड़ा फलटी को बाहरी आम दूर जगार नहीं ताकू नष्ट करदे द्वारा से पोकड़ी नष्ट हो जाए से जो प्रक्रिया गुड़ाक सब बेले दरकार जो द्वारा कि पोकटी परिचालित हम जैविक उपाय मध्य आपणकर रोचे निंब निंब आधारित विष निंब तेल आम बजार बिक्री होमें व्यवहार कर लिटर प्रति पांच एम एल हिसाब से किंवा निंब मंजी उद्धृत विष निंब मंजी पचास ग्राम को आम गोटे लिटर पानी रे पूरा राति भिजाई तार उद्धृत पानी टी आम गच्छे सिंचन करवा तेब पोकटी जो गच्छ छोट अवस्था थी से आम सिंचन करवा द्वारा तार अंडा दान बाधाप्राप्त होता है अंडारू छुआ फुटे फुटिकी बाहरी पारे ना तापर आम आसवा विभिन्न प्रकार जैविक विष जमी बीटी बासिलस थुरिंजेंसिस आम हेक्टर प्रति गोटे किलो हिसाब से प्रति लिटर पानी दुई ग्राम मिसाई आम सिंचन करवा द्वारा ये पोकटी भल भाव परिचालित होता है।
ଉପରେ ହେଉଛି ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କୀଟନାଶକ। ଆଜିକାଲି ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କୀଟନାଶକ ଆସିଗଲାଣି ଯାହାକି ପରିବେଶ ପ୍ରତି ବହୁତ ସୁରକ୍ଷିତ, ଆମେ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। ଯେପରି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଲୋରାଣ୍ଟ୍ରା ନିଲିପ୍ରୋଲ କୋରାଜେନ୍ ନାମରେ ତାହା ଆସୁଛି, ତାକୁ ଆମେ ପ୍ରତି ଟାଙ୍କି ବା 15 ଲିଟର ପାଣିରେ 5 ml ହିସାବରେ ମିଶାଇ ତାକୁ ସିଞ୍ଚନ କରିପାରିବା। ବା ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ଲୁବେଣ୍ଡିଆ ମାଇଡ଼ ତାକୁ ଆମେ 1 ଏକରକୁ 200 ଗ୍ରାମ ହିସାବରେ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। ଏବଂ ଏହିପରି ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିଷ ରହିଛି, ତାକୁ ଆମେ ଗୋଟିଏ ବିଷକୁ ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟବହାର ନକରି ଅନୁମୋଦିତ ହାରରେ ଯେଉଁ ବିଷଟି ଆପଣଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଥିବ ସେଇ ତାର ଅନୁମୋଦିତ ଯେଉଁ ହିସାବରେ କୁହାଯାଇଛି ତାକୁ ଅଦଳ ବଦଳ କରି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ, ଯଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କ ପୋକଟି ସୁପରିଚାଳିତ ହେବ। ସଂକ୍ଷେପରେ କହି ରଖିଲେ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କର ଆସୁଛି ସଙ୍ଗ ଆକର୍ଷକ ଯନ୍ତା ସର୍ବେକ୍ଷଣ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜୈବିକ ବିଷ ଯେମିତି ରହିଲା ଆପଣଙ୍କ ନିମ୍ବ ତେଲ ହେଉ ବା ବାସିଲୋସ୍ ଥୁରିଞ୍ଜେନ୍ସିସ୍ ହେଉ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ଚିରାଚରିତ ପ୍ରଥା ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ପକୁଡ଼ା ଫଳ ବା ଡାଙ୍ଗକୁ ଆପଣ ନେଇକି ନଷ୍ଟ କରିବେ, ଏବଂ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରାସାୟନିକ ବିଷ, ଏ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ପୋକଟିକୁ ସୁପରିଚାଳନା କରିପାରିବେ। ଆଜିର ଅନ୍ନଦାତା ଆପଣଙ୍କ ସେବା ସୋପାନରେ କାହା ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ରହିଛି ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଆଜିର ଅନ୍ନଦାତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିଶୁଳ୍କ ଫୋନ ସେବା ମାଧ୍ୟମରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ଟିଟିଲାଗଡ଼ର ଗ୍ରାମର ଚାଷୀ ରାକେଶ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ ସେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତିରେ ମହୁମାଛି ଚାଷ ବିଷୟରେ କିଛି ତଥ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆମର ଏ ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଆଉ ଏଇ ମହୁମାଛି ପାଳନଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ଜିନିଷ, ଏଇଟା କୃଷି ସାଙ୍ଗରେ ଉତ୍ତପ୍ରୋତ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ, କାହିଁକିନା କୃଷି ଫସଲ ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ପାଦନ ଆଉ ଉତ୍ପାଦିକା ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଫସଲରେ ପରାଗ ସଙ୍ଗମ ଯେଉଁଟା ଦରକାର ହୋଇଥାଏ ସେଥିପାଇଁ ମହୁମାଛି ହେଉଛି ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ଜୀବ। ତେଣୁ ମହୁମାଛିକୁ ଆମେ ପାଳନ କଲେ ମହୁ ଆଉ ମହମ ଇତ୍ୟାଦି ବାକ୍ସରୁ ପାଇବା ସହିତ ତାଙ୍କୁ ବି ଆମର ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ପରାଗ ସଙ୍ଗମରେ ଉପଯୋଗ କରିକି ଫସଲର ଅମଳର ବୃଦ୍ଧି ଓ ଉତ୍ପାଦିକା ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ଯୋଡ଼ା ଯାକ ଉଭୟ କରିହେବ। ବିଭିନ୍ନ ଫସଲରେ ଯେଉଁ ବା ଫଳ ଗଛରେ ଯେଉଁ ଫଳ ହୁଏ ସେ ଫଳର ଆକାର ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ, ଫଳରେ ଯେଉଁ ବିହନ ଥାଏ ସେ ବିହନ ଗୁଡ଼ିକ ବି ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି, ଯାହାର ଉତ୍ପାଦିକା ଶକ୍ତି ବା ଜର୍ମିନେସନ୍ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ଟା ବି ବହୁତ ଅଧିକା ହୁଏ। ତେଣୁ ଆମର ସେଇଥିଲାଗି ମହୁମାଛି ପାଳନ କରିକି କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ମହୁମାଛି ପାଳନ ଆମର ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆଗଉନି, ତା'ର କାରଣ ତିନୋଟି କାରଣ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ। ଗୋଟେ ପ୍ରଥମ କାରଣ ହେଲା ମହୁମାଛି ପାଳନ କାହିଁକି ଆଗୁନି ନା ମହୁମାଛି ମାରିବାର ଭୟ, ଯେଉଁ ମହୁମାଛି ବିନ୍ଧେ ବୋଲି କହନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ମହୁମାଛି କରିବାକୁ ଲୋକ ଆଗଭର ହେଉନାହାନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ ହେଲା ମହୁମାଛି ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ଦଳ ସେଇଟା ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇପାରୁନି। ତୃତୀୟ ଜିନିଷ ହେଲା ଯେ ମହୁମାଛି ପାଳନ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆବଶ୍ୟକ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ଏ ବିଷୟରେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ମହୁମାଛିଟା ବିଷୟରେ ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ମହୁମାଛି ବହୁତ ଆଦିମ କାଳରୁ ଥିଲା ଆଉ ମହୁମାଛି ଏକୁ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମହୁମାଛି ବିଷୟରେ ଆଉ ମହୁ ବିଷୟରେ ଲୋକ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଆଉ ତା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ନିହାତି ଦରକାର, କାରଣ ତାଲିମ ଠିକ୍ ଭାବରେ ନ ନେଲେ ସେମାନେ ତାକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରିପାରିବେନି ବା କରିପାରିବେନି। ତେଣୁ ଆମର ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଏଥିପାଇଁ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ଯେ ମହୁମାଛିକୁ ନେଚର୍ ବା ପ୍ରକୃତିରୁ ଧରି ଆଣିକରି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆଉ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ISI ମାନର ବାକ୍ସ ଅଛି, ସେଇ ବାକ୍ସରେ ତାଙ୍କୁ ରଖିକରି ବର୍ଷ ସାରା ତାଙ୍କୁ ପାଳନ କରିବା ଅଛି। ପାଳନ କରିକରି ମହୁମାଛିରୁ କେବଳ ଖରାଦିନେ ବହୁତ ମହୁ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଏ, ମହୁ ଦଳ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଏ, ଆଉ ଖରାଦିନଟା ମହୁମାଛିଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ଭଲ, ସେହି ସମୟରେ ସେମାନେ କରିକିରି ସେମାନେ ବ୍ୟବସାୟ ସେହି ମାସରେ କରାଯାଏ। ତେଣୁ ଆମର ବିଶେଷ କରି ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଫେବୃଆରୀ ମାସଠୁ ମେ ମାସ ଭିତରେ ମହୁ ଉତ୍ପାଦନ ହୋଇଥାଏ, ମହୁମାଛିରୁ ଦଳ ଉତ୍ପାଦନ ହୋଇଥାଏ, ତା ଛଡ଼ା ମହମ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉତ୍ପାଦ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମୟରେ ମିଳିଥାଏ। କମର୍ସିଆଲ ବି କିପିଂ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମର ସାଧାରଣତଃ 2 କିସମର ମହୁମାଛିକୁ ପାଳନ କରାଯାଏ, ଗୋଟେ ହେଲା ସପ୍ତଫେଣୀ ମହୁମାଛି ବା ଦେଶୀ ମହୁମାଛି ଯେଉଁଟା ଆମେ କହୁଛେ, ଆମେ ଏଇ ବାକ୍ସରେ ISI ବାକ୍ସରେ ରଖୁଛେ, ନହେଲେ ବିଦେଶରୁ ଗୋଟିଏ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ମହୁମାଛି ଆସିଛି ଆପିସ୍ ମେଲିଫେରା ବୋଲି, ଆଉ ସେଇଟାର କମର୍ସିଆଲ ଯେଉଁମାନେ କରିପାରିବେ ଆଉ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତକରଣ କରିକି ଯିଏ କରିପାରିବେ ସେଇଟାକୁ କଲେ ସେମାନେ ବେଶୀ ଲାଭବାନ ହୋଇପାରିବେ। ଇଏ ଅଛି ମହୁମାଛି, ଏଇ ଫେଣାଟା ଯେଉଁ ଅଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଆମର ଶାବକ ଫେଣା ବା ବ୍ରୁଡ଼ ଫ୍ରେମ୍ କହୁଛି। ଏ ବ୍ରୁଡ଼ ଫ୍ରେମ୍ରେ ସେମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଭାବରେ ଉପର ପଟେ ମହୁ ରଖିଥାନ୍ତି ଆଉ ତଳେ ତାଙ୍କର ଶାବକମାନଙ୍କୁ ରଖିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଏଥିରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛେ ଏଇଲେ ପପୁଲେସନ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଏଇ ସିଜିନ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ତେଣୁ ଆଦିହରେ ପୁରୁଷ ମାଛି ହେଲେ ବେଶୀ ନାହାନ୍ତି, ସୃଷ୍ଟି ହୋଇନାହାନ୍ତି।
आउ अधिकांश जो माछी देखुं सबू होती कर्मी माछ ये कर्मी माछ मान भाई श्रम विभाजन बहुत भल भाव थाए आ श्रम विभाजन तर एत उन्नत मानर ताकि समस्ते जाना दरकार से बाहर प्रथम दिने दिन भितर प्रथम तीन दिन तर कम है बसा सफा करेंगे चार रु पांच दिन है रयाल जेली प्रिपेयर करेंगे तापर छु तेर दिन है चार पाँच दिन सेविका कम एक दिन बेलू से बसा जगी रे जो जगवाड़ी कम करेंगे एक दिन पर बाहर परागरेणु हो ना मकरंद रेणु मकरंद आणी से मह उत्पादन में सहायता करेंगे तेणु आपण देखिए यहाँ को देख ला फेणा देख ला बेलू निर्धारित उपाय बुलाइवा को पड़े ना फेणाटा भांगिज तेणु यह बुलेबे रोटेट करेंगे जमी भूमि यहाँ परपेडिकुलर होती रोथ एगुड़ा देखुं या भितर ये गुड़ा देखुं एगुड़ा सब हूँ तार शावक ये भितर देपर आम देखा राणी केमी अच्छे देखा जत बेले फ्रेम काढ़े पूरा धीरे धीरे काढ़े धीरे धीरे काढ़ परीक्षण करेंगे तेरे कौन कौन अच्छी क्वीन अच्छी हाँ ये देखते यहाँ हूँ राणी राणी माछटा सबुठ बड़ तार डेणाटा देह को पूरा घोड़े ना पेटटा देह तुलन बड़ मुंडटा देह तुलन छोट आईटा राणी माछी यहाँ पुराणा राणी हो गला तेणु तार रंगटा टी फिका पड़ आसला आउ धीरे धीरे भी चलुची नुआ राणीटार देखा पूरा तंबाड़िया आ बहुत स्पीड रे चलु थे जो अंडा दबो से प्रत्येक घरे गोटे गोटे अंडा दौर बसार गोटे गोटे अंडा गोटे खोपर पड़ी मैंने जानवे ठीक आदि एकाधिक अंडा पड़ी जानवे से दलटा खराब हो गला लेंग वर्कर बा अंडा दिया कर्मी सृष्टि हो गला बर्तमान अंडा दौर अंडा दवापाई सी तार आब्डोमेनटा बर्तमान भर्ती करके अंडा दौर पुणे अंडा देकर बाहरी आसला बाहरी आसे सी पछुआ पछुआ जा गोटे खोपरे तार आब्डोमेन बा पछपटा भर्ती करके गोटे अंडा दबो किंतु आम सप्तफेणी मऊमाची यहाँ आम विशेषकर गाँर जो महिला अच्छा जो मैंने बेसी ये करेंगे से रोजगार पंथा हिसाब से यहाँ को से रखिपर आनुषंगिक रोजगार रखिले से कौन करेंगे ना ये बाक्सपाई समय बहुत कम दरकार हुए गोटे बाक्स रखिले सप्ताह को पांच रु सात मिनट समय देवाक पड़े तेणु बहुत कम समय दरकार हुए आप खर्च जोटा अच्छी खर्च भी बहुत कम कहीं सी प्रथम वर्ष जहाँ खर्च करा पड़े गोटे बाक्स गोटे दल स्टैंड सहित प्राय तनि हजार पाँच टाँचा खंडे खर्च करा पड़ो कि सी दस वर्ष रु पंदर वर्ष जाए महु उत्पादन करेंगे आउ द्वितीय वर्ष टूर बिल्कुल खर्च हेनी आ छड़ा से महुमाची जदि पाखे रे से निकट थिबा से पिजुली गछ हो लेंबू गछ हो सजना छुई गछ हो जेकोसी फल गछ हो तार अमल बहुत भाव में वृद्धि हम और से अंचल भी फसल उत्पादिका शक्ति वृद्धि हम तेणु ये भाव करी महुमाछी चाष करवा अति कम मान अति कम खर्च कम समय आउ परिश्रम बहुत कम पड़े से भल भाव रोजगार करें आ साधारण भाव में कह गले जड़े चाषी एकाकालीन पाँच रु दस बाक्स करी महुमाछी पालन आरंभ करिया कथा आदि सी दस टी बाक्स करे से बाक्स पिछा वर्ष को अति कम्रे आय साढ़े तीन हजार बा दस टी बाक्स रु पैंतीस हजार टंका आय प्रथम वर्ष जहाँ मूलधन खर्च करु द्वितीय वर्ष टू बिना खर्च में पैंतीस हजार टंका सी उत्पादन कर तार आय हो आपण समस्या कि मतामत को आम निःशुल्क फोन में निश्चय पचारत समय अपराह चार पांचटा आउ नंबर है 1800-4192-155 आपण चाष समस्या सफलता कि मतामत आमको ये ठिकणा जनईपरि ठिकनाटी है प्रड्यूसर अन्नदाता न्यूज एट नोडिया SP3 बिल्डिंग रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512 आमर ईमेल ठिकणा होउछि p18annadataoria@nw18.com समय इशारा देलानी कार्यक्रम को एठी रखुछु काली आउ किछि नुवा तथ्य नै करि आसिबु देखिबा को जमारे भूलिबेनी ठीक एही समय रे विदाय दियंतु नमस्कार।